नमस्कार। आज हम देखेंगे साथ में बिहार सीसीटीएनएस एप्लीकेशन में जब्त की गई संपत्ति की प्रविष्टि कैसे की जाती है। हमारे सामने जो मुख्य पृष्ठ खुली हुई है ये आपके स्क्रीन पे, ये बिहार सीसीटीएनएस एप्लीकेशन की है। इसमें हमने एक उदाहरण के लिए एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का लॉगिन किया है और बाएं तरफ कार सूची में संपत्ति से संबंधित में जाएंगे। संपत्ति से संबंधित से संपत्ति की जब्त की गई संपत्ति की नई एंट्री पर क्लिक करेंगे। नई एंट्री पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज हमारे सामने ओपन होगा जिसमें हमें मामला ढूंढना है। जिस कांड की हमें जब्ती सूची बनानी है उस कांड को इसमें हमें सर्च करना है। यहाँ पे मैं मामला संख्या, जिस कांड की हमें जब्ती सूची बनानी है वो मामला संख्या डालेंगे। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे 51 नंबर डाल रहा हूँ, 51/21। यहाँ खोजे पर क्लिक करेंगे, ये रेडियो बटन पर क्लिक करके चयन करें। अब ये जब्ती सूची की प्रविष्टि के लिए हमारे सामने पेज ओपन होके आ गया है। यहाँ पे दो टैब है, संपत्ति की विवरण और साक्षी का विवरण। शुरू करते हैं संपत्ति के विवरण से। संपत्ति जब्त होने की तारीख, जिस तारीख को संपत्ति जब्त हुआ था, उदाहरण के मैं 2 तारीख ले रहा हूँ यहाँ पे, कहाँ कब से कब तक। अगर एक ही टाइम और एक ही डेट डाला है तो हम भी दोनों में एक ही डेट और एक ही टाइम डालेंगे। अगर अलग अलग डाला हुआ है, जो कभी कभी होता है कि 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, तो उस हिसाब उस समय में फॉर्म में 10 बजे और 2 में दोपहर के 2 बजे हम प्रविष्टि करेंगे। अब जहाँ से संपत्ति जब्त हुआ उसका पता लेंगे, ड्रॉप डाउन से ज़िला, ड्रॉप डाउन से थाना, यहाँ पे उसका गांव मोहल्ला, मैं यहाँ पे प्रशिक्षण पर्पज़ से लिख रहा हूँ, जो भी एक्चुअल एड्रेस होगा जब संपत्ति का वो हम यहाँ पे प्रविष्टि करेंगे। अब उससे आगे आते हैं जब्त की गई वस्तु के प्रकार। इतने तरह के ड्रॉप डाउन में आप वस्तु के प्रकार ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे वाहन, नारकोटिक ड्रग, सांस्कृतिक संपत्ति, सोना, निषेध, आभूषण। और इसके अलावा कोई है जो वस्तु जब्त हुई है जिसका ड्रॉप डाउन में नाम नहीं है, तो एक अदर ऑप्शन है हमारे पास अन्य, अन्य सेलेक्ट करके हम उसके आगे की प्रविष्टि करेंगे। यहाँ पे उदाहरण के लिए मैं निषेध ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा। सपोज मैं विदेशी शराब ले रहा हूँ, अगर हमें ब्रांड उप प्रकार क्या है ये डालना है ये डाल देंगे, लीटर में है, मिलीलीटर में है, वैसे मैं सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सपोज 50 लीटर में ले रहा हूँ। अनुमानित मूल्य डालना बहुत ही ज़रूरी है, धीरे 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 अभी प्रैक्टिस कीजिए कि बहुत कम लोग अनुमानित मूल्य डाल रहे हैं। थाना में बहुत कम मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है। अगर मूल्य नहीं डालेंगे तो फिर आगे जो रिपोर्ट निकलेगी इससे संबंधित, उसमें रिपोर्ट अच्छा नहीं लगेगा देखने में, क्योंकि सब में शून्य 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 दिखेगा। इसलिए स्टोलन प्रॉपर्टी और जब्त की गई संपत्ति में जब भी संपत्ति का ब्यौरा दें उसमें अनुमानित मूल्य, एस्टिमेटेड वैल्यू हमें देना मैंडेटरी होता है। उसके बाद टिप्पणी, जिन परिस्थितियों में पाया गया है, यहाँ पर वो रिमार्क्स या टिप्पणी देंगे। सपोज जैसे होता है पीले रंग की थैली में मोटरसाइकिल पे, तो उस तरह की जो भी टिप्पणियाँ होती है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। जैसे मैं उदाहरण के लिए पीले रंग की थैली में अब नीचे है जब्त संपत्ति का विवरण जोड़े, यहाँ जोड़े पर क्लिक करें। अगर इसके अलावा कोई दूसरी वस्तु जब्त हुई है तो फिर दोबारा हम सेम प्रक्रिया यहाँ से करेंगे। जब्त संपत्ति का प्रकार चुनेंगे, उसके हिसाब से आगे के विवरण डालेंगे और दोबारा यहाँ पर जब्त संपत्ति का विवरण जोड़ेंगे। अब देखिए जब्त संपत्ति का स्रोत, अब ये लावारिस परित्यक्त अवस्था में आई है, अभियुक्त की है, पीड़ित का है, शिकायतकर्ता का है, जिससे संबंधित होगा उस हिसाब से हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करेंगे। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर अभियुक्त ले रहा हूँ, यहाँ ड्रॉप डाउन से अभियुक्त में सेलेक्ट करूँगा किसका है, प्रशांत कुमार दास का। अगर इसमें दोनों अभियुक्त का नाम एक ही वस्तु में है तो हम दूसरा भी सेम प्रोसेस करेंगे, फिर से अभियुक्त लेंगे, यहाँ पर हम अंकित दास, फिर इसको व्यक्ति जोड़ेंगे। उसके बाद जो है वो है अधिकारी द्वारा जब्त, किस अधिकारी द्वारा ये जब्ती हुई है। अगर जांच अधिकारी द्वारा हुआ है तो इनका नाम बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, अगर इनके अलावा कोई अधिकारी ने जब्त किया है तो हम यहाँ से कर्मचारी खोज करके वो कर्मचारी को सेलेक्ट कर लेंगे। और बाद में संपत्ति और विवरण, व्यक्ति का विवरण यहाँ पर जोड़े पर क्लिक करेंगे। याद रखें जब्त संपत्ति का विवरण जोड़ें, व्यक्ति का जोड़ें, और लास्ट में संपत्ति और व्यक्ति का विवरण जोड़े, तब जाके व्यक्ति और संपत्ति जो जब्त हुआ उसका विवरण यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा। ये बॉक्स बन जाए तो समझिए कि इस पेज की प्रविष्टि हो गई है।
उसके बाद दूसरे पेज में जाते हैं साक्षी के विवरण में। उदाहरण के लिए दो साक्षी हम लेते हैं, पहला साक्षी का डिटेल हम डालेंगे, उनका पिता का नाम, उनका माता का नाम है तो वो डालेंगे, लाल बिंदी वाला मैंडेटरी है, ये डाले बिना हम इस प्रविष्टि को संपूर्ण नहीं कर सकते हैं। बिना लाल मैंडेटरी वाले जो जो इन्फॉर्मेशन है उधर उपलब्ध है तो वो डाल देंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा जानकारी हम प्रविष्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिपोर्ट हमें आगे चल के बन के आएगा। उनके बाद उनका पता लिखेंगे, ड्रॉप डाउन से जिला, ड्रॉप डाउन से थाना, उनका स्थायी पता अगर है तो स्थायी पता डालेंगे, उनका टेलीफोन नंबर, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल नंबर, अगर ये सब उपलब्ध है तो डालेंगे। अगर कोई दस्तावेज अपलोड करना है तो यहाँ पर हम चूज फाइल से हम दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और नीचे में साक्षी जोड़े पर क्लिक करेंगे। अब दूसरा साक्षी के लिए लिखेंगे हम डेटा, अब सपोज सुरेश, उनका हम डिटेल डालेंगे, उनका पता डालेंगे, वर्तमान पता मैंडेटरी है वो डालना ही डालना है, उनका स्थायी पता अगर है तो हम डाल देंगे, प्रतिलिपि भी बना सकते हैं, अगर वर्तमान स्थायी सेम है तो मैं इसे प्रतिलिपि बनाएंगे, प्रतिलिपि पर क्लिक करेंगे और दोबारा फिर साक्षी जोड़े। इसके बाद आता है अगर राजपत्रित अधिकारी का विवरण, ये मैंडेटरी नहीं है, अगर कोई ऐसा जब्ती सूची है हाई प्रोफाइल की, अगर उसमें कोई गजेटेड ऑफिसर साथ में गए हैं, उन्होंने पंचनामा बनाया है, उसका डिटेल अगर उपलब्ध है तो हम यहाँ पर उनका विवरण डाल के विवरण जोड़ें, अगर नहीं है तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे और सबसे लास्ट में सुरक्षित करें। जैसे सुरक्षित पर क्लिक करेंगे कि जब्ती सूची जिस कांड की हम बना रहे थे वो बन के हमारे स्क्रीन पर तैयार होकर प्रदर्शित हो जाएगा। ये देखें हमने कितने आसानी से बिहार CCTNS एप्लीकेशन में हम जब्ती सूची की प्रविष्टि कर सकते हैं। धन्यवाद।